ठीक है, तो आज हम लोग नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है और कई बार इससे डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल क्या है, इस तरीके से पूछा जाता है। तो मतलब वो वहाँ बताना पड़ता है कि क्या कौन सा टीका जो है या कौन सी वैक्सीन जो है वो किस समय पर लगाई जाती है। अभी वैसे भी 11 से लेकर 16 सितंबर तक मिशन इंद्रधनुष जो है 5.0 वो चल रहा है, और इम्यूनाइजेशन जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो है वो कभी कभी पूछा भी जाता है, तो आज हम लोग नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में पढ़ेंगे। तो इस पर बात करें कि बर्थ पे अगर बात करें कि जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय कौन कौन सी वैक्सीन्स लगाई जाती हैं, तो एट बर्थ BCG, हेपेटाइटिस बी और OPV 0। ठीक है, बर्थ के समय तीन वैक्सीन्स जो हैं वो दी जाती हैं। कौन कौन सी? BCG दी जाती है, हेपेटाइटिस बी दी जाती है और OPV दी जाती है। ठीक है, अगर मान लो बच्चा जैसे पैदा हुआ बर्थ के, वैसे तो ये क्या है पैदा होने के तुरंत बाद ही मतलब एट बर्थ लगनी है, लेकिन अगर किसी वजह से छूट गया नहीं लग पाई तो कौन सी वैक्सीन कब तक लगा सकते हैं? तो जो BCG है वो 1 साल की एज तक क्या लगा सकते हैं, अगर बर्थ के टाइम पे किसी भी वजह से वैक्सीनेशन नहीं हो पाया बच्चे का, BCG की डोज उसे नहीं लग पाई, तो क्या है 1 साल की उम्र तक बच्चे को क्या है BCG की डोज जो है वो दी जा सकती है। हेपेटाइटिस बी विद इन 24 आवर्स, यानी हेपेटाइटिस बी जो है वो क्या है कंपलसरी है कि 24 घंटे बच्चे के पैदा होने के 24 घंटे के अंदर क्या हेपेटाइटिस बी की डोज लग जानी चाहिए, वरना बाद में नहीं दी जा सकती है। तो BCG जो है वो अगर किसी वजह से बर्थ पे नहीं लग पाई है और तो उसे क्या 1 साल तक लगाया जा सकता है। हेपेटाइटिस बी विद इन 24 आवर्स लगना ज़रूरी होता है। OPV की जो 0 डोज है वो क्या है विद इन द फर्स्ट 15 डेज, यानी अगर एट बर्थ नहीं दे पाए हैं, पैदा होने के बाद कुछ घंटे के बाद एक दिन के बाद नहीं दे पाए हैं, तो क्या 15 दिन तक क्या है ये डोज दी जा सकती है। OPV जो है वो 15 दिन तक दी जा सकती है। अब डोज क्या क्या होती है, तो BCG की जो डोज है वो 1 महीने तक के बच्चे में क्या होता है 0.05 ml, यानी अगर 1 महीने तक के बच्चे में हम लोग BCG का वैक्सीनेशन करेंगे तो डोज क्या होगी 0.05 ml, और 1 महीने के बाद 0.1 ml, यानी 1 महीने तक जो डोज है वो 0.05 ml है और 1 महीने के बाद 0.1 ml। इसी तरह हेपेटाइटिस बी की जो बर्थ डोज है वो कितनी होती है 0.5 ml, 0.5 ml जो है हेपेटाइटिस बी की बर्थ डोज होती है। OPV की जो बर्थ डोज होती है वो क्या होती है 2 ड्रॉप। OPV कितना? 2 बूंद। पोलियो की वैक्सीन जो होती है ना वो 2 बूंद पिलाई जाती है, तो OPV की डोज क्या है 2 ड्रॉप्स। फिर कहाँ साइट क्या होती है, किस जगह दिया जाता है, तो BCG जो है वो इंट्राडर्मल, मतलब मोड क्या है, देने का तरीका क्या है, किस तरीके से देते हैं और साइट क्या होती है, तो जो BCG है वो इंट्राडर्मल दी जाती है। रूट जो है BCG का वो क्या है इंट्राडर्मल, और साइट क्या है यानी कौन सी जगह दी जाती है अपर लेफ्ट आर्म, लेफ्ट साइड का जो आर्म होता है वहाँ पे अपर आर्म में दी जाती है लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट आर्म में इसे दिया जाता है अपर लेफ्ट आर्म। ठीक है, तो OPV का डोज कितना था 2 ड्रॉप्स पिलाई जाती है, और इसका रूट क्या होता है ओरल। ठीक है, ड्रॉप्स है तो इसका रूट क्या हो जाएगा ओरल रूट है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है 6, 10 और 14 हफ्ते पे। ठीक है, अभी तक जो चल रही थी वो ये क्या था बर्थ डोज थी, अभी तक जो चल रही है वो क्या है बर्थ डोज, कि बर्थ एट बर्थ क्या है बच्चे को क्या क्या दिया जाता है, BCG देते हैं, हेपेटाइटिस बी देते हैं और OPV देते हैं, OPV की 0 डोज। इसके बाद 6, 10 और 14 हफ्ते पे OPV की क्या है, 6 हफ्ते पे OPV की फर्स्ट डोज, 10 हफ्ते पे OPV की सेकेंड डोज और 14 हफ्ते पे OPV की थर्ड डोज।
इसी तरीके से 6, 10 और 14 वीक्स पे क्या होता है पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट का मतलब क्या, 5 वैक्सीन्स होती हैं इसमें, 5 बीमारियों के अगेंस्ट में। कौन कौन सा, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी और हिब, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी और हिब। तो पेंटावेलेंट 1, 2, 3 ये भी कब दी जाती हैं, 6, 10 और 14 वीक्स पे। ठीक है, 6, 10 और 14 वीक्स पे देते हैं इसको। फिर अगर ये छूट जाती हैं, ठीक है, अगर ओपीवी की फर्स्ट सेकंड थर्ड डोज जो है जो 6, 10, 14 हफ्ते पे छूट रही है, तो ये क्या अप टिल 5 इयर्स तक इन्हें क्या कवर किया जा सकता है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम एज जब तक इन्हें दिया जा सकता है वो बता रही हूँ, तो मैक्सिमम एज क्या 5 साल तक इन्हें क्या दिया जा सकता है। इसी तरह पेंटावेलेंट जो है, अगर ये 6, 10, 14 हफ्ते पे ये क्या है शेड्यूल्ड एज है, 6 वीक्स पे, 14 वीक्स पे और 14 वीक्स पे क्या है ये देनी है, यानी 1.5, 2.5 और 3.5 महीने पे। लेकिन मैक्सिमम एज जब तक इन्हें दिया जा सकता है पेंटावेलेंट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड डोज को, तो वो 1 साल की एज है। अगर बच्चे छूट जा रहे हैं तो 1 साल की एज तक क्या दिया जा सकता है। डोज क्या होती है, ओपीवी फर्स्ट सेकंड थर्ड की 2 ड्रॉप्स ही होती हैं, रूट जो है वो ओरल होता है। पेंटावेलेंट 1, 2, 3 की डोज जो है वो 0.5 ml, रूट क्या होता है इंट्रामस्कुलर IM, और साइट क्या होती है एंट्रोलेटरल साइड ऑफ द मिड थाई, एंट्रोलेटरल साइड ऑफ द मिड थाई लेफ्ट, यानी लेफ्ट पैर जो है तो एंट्रोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई लेफ्ट। लेफ्ट थाई जो है उसके मिड में एंट्रोलेटरल साइड जो होती है वहाँ पे क्या है पेंटावेलेंट 1, 2, 3 का इंट्रामस्कुलरली क्या है दी जाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है फ्रैक्शनल IPV या इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। तो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन भी कब दी जाती है 6 और 14 वीक्स पे। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन जो है वो 6 और 14 वीक्स पे दी जाती है। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन 6 और 14 वीक्स पे देते हैं। मैक्सिमम एज क्या होती है 1 ईयर ऑफ एज। अगर मतलब 6 और 14 वीक्स पे नहीं दे पा रहे, छूट गया बच्चा किसी वजह से, तो क्या इन्हें 1 साल तक की एज तक दिया जा सकता है। तो फ्रैक्शनल IPV की डोज क्या होती है 0.1 ml, रूट क्या होता है इंट्राडर्मल। फ्रैक्शनल IPV का रूट क्या होगा इंट्राडर्मल, और जो साइट है तो फ्रैक्शनल IPV यानी इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन देते कहाँ है अपर आर्म राइट अपर आर्म में इसे क्या दिया जाता है राइट अपर आर्म। साइट है ये किसकी IPV की। इसके बाद नेक्स्ट है रोटा वायरस। तो रोटा वायरस हर जगह नहीं देते, जहाँ जहाँ कुछ कुछ स्टेट्स में कुछ जगह दी जाती है, तो इसका जो ड्यू एज है वो क्या है रोटा वायरस की 6, 10 और 14 वीक्स। यानी OPV 1, 2, 3, पेंटावेलेंट 1, 2, 3 और रोटा वायरस की जो ड्यू एज है वो क्या है या शेड्यूल एज है वो क्या है 6, 10 और 14 वीक्स। 6 वीक्स पे देते हैं, 10 वीक्स पे देते हैं और 14 वीक्स पे देते हैं। इसकी भी मैक्सिमम एज जब तक ये दी जा सकती है अगर छूट गया बच्चा, तो 1 ईयर ऑफ एज, 1 साल तक इसे क्या दिया जा सकता है। डोज रोटा वायरस की क्या होती है 5 ड्रॉप्स, डोज 5 ड्रॉप्स और रूट क्या हो जाएगा ओरल रूट से दी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, यानी इसे PCV भी कहते हैं, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन PCV। ये भी क्या है जहां जहां एप्लीकेबल है वहाँ वहाँ दी जाती है न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन यानी PCV। तो ये भी कब देते हैं 6 वीक्स पे और 14 वीक्स पे, 6 वीक्स पे देते हैं और 14 वीक्स पे देते हैं, 6 वीक्स और 14 वीक्स।
और इसका बूस्टर कब देते हैं, 9 मंथ पे बूस्टर कब दिया जाता है पीसीबी का, 9 मंथ पे। इसकी भी जो मैक्सिमम एज है, अगर बच्चा वैक्सीनेशन से छूट गया है तो कब तक इसे दोबारा दे सकते हैं, 1 ईयर ऑफ एज तक। जो मैक्सिमम एज है वो क्या है, इसकी भी 1 ईयर ऑफ एज। डोज क्या होती है पीसीबी की, 0.5 ml, 0.5 ml। रूट क्या होता है, इंट्रामस्कुलर, इंट्रामस्कुलर यानी आईएम दी जाती है। साइट क्या होता है न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन की, एंटीरोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई, राइट एंटीरोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई। साइट क्या है इसकी, राइट एंटीरोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, मीजल्स और रुबेला, मीजल्स रुबेला। तो इसकी ड्यू एज क्या है, 9th कंप्लीटेड मंथ्स, मतलब ये 9 महीने से लेके 12 महीने के बीच में दी जा सकती है, 9 से 12 महीने के बीच में मीजल्स या रुबेला की जो वैक्सीन है वो दी जाती है, 9 to 12 मंथ के बीच में। और जो मैक्सिमम एज है वो क्या है, 5 ईयर ऑफ एज। मैक्सिमम एज क्या है, 5 ईयर ऑफ एज। इसके बाद इसकी डोज क्या होती है, 0.5 ml, 0.5 ml। रूट क्या होता है, सबक्यूटेनियस, रूट क्या है, सबक्यूटेनियस। और साइट क्या होती है, राइट अपर आर्म, राइट अपर आर्म में इसे दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है जापानीज इंसेफेलाइटिस, जापानीज इंसेफेलाइटिस। तो ये भी क्या है, कहीं कहीं मतलब जहां जहां एप्लीकेबल है वहां इसका शेड्यूल क्या है, जापानीज इंसेफेलाइटिस का 9 to 12 मंथ के बीच में दी जाती है। ये भी क्या, 9 से 12 महीने के बीच में जापानीज इंसेफेलाइटिस का वैक्सीनेशन किया जाता है। और जो मैक्सिमम एज है वो क्या है, 15 ईयर्स ऑफ एज। मैक्सिमम एज क्या है, 15 ईयर्स ऑफ एज। डोज क्या है इसकी, 0.5 ml। डोज क्या होती है, 0.5 ml। रूट इसका क्या है, सबक्यूटेनियस, यानी सबक्यूटेनियस रूट होता है। साइट क्या होता है, लेफ्ट अपर आर्म, लेफ्ट अपर आर्म। डोज क्या होता, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, विटामिन ए, विटामिन ए। तो विटामिन ए की फर्स्ट डोज कब है, 9 मंथ पे दी जाती है। मीजल्स का जो वैक्सीनेशन होता है उसी के साथ में दिया जाता है, 9 मंथ की एज पे। और इसे क्या है, 5 ईयर की एज तक क्या है देते। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं बूस्टर डोज की। तो बूस्टर डोज क्या है, जो डीपीटी का बूस्टर डोज है वो क्या होता है, 16 से 24 महीने के बीच में लगता है। बूस्टर वन जो है वो 16 से 24 मंथ के बीच में लगता है। डोज क्या होती है, 0.5 ml। रूट इंट्रामस्कुलर और साइट क्या रहेगा, एंट्रोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई। इसी तरह मीजल्स रुबेला यानी एमआर का जो सेकंड डोज है वो कब लगता है, 16 से 24 महीने के बीच में। इसकी भी डोज क्या है, 0.5 ml। और रूट क्या होगा, सबक्यूटेनियस। साइट क्या होगा, राइट अपर आर्म। ओपीवी का बूस्टर कब देते हैं, 16 से 24 महीने के बीच में। ओपीवी बूस्टर 16 से 24 मंथ के बीच में। डोज क्या है इसकी, 2 ड्रॉप्स। रूट ओरल। नेक्स्ट है जापानीज इंसेफेलाइटिस। तो जापानीज इंसेफेलाइटिस 2, इसका डोज शेड्यूल क्या है, 16 to 24 मंथ। जेई 2 कब देते हैं, 16 से 24 महीने के बीच में। डोज 0.5 ml। रूट सबक्यूटेनियस।
और साइट क्या है, लेफ्ट अपर आर्म, साइट लेफ्ट अपर आर्म। फिर विटामिन ए की जो सेकंड से लेकर नाइन्थ डोज है वो क्या है, फर्स्ट डोज कब दी थी हमने, 9 मंथ पे दी थी, सेकंड डोज जो है वो 16 से 18 महीने के बीच में देते हैं, और फिर उसके बाद हर 6-6 महीने पे विटामिन ए की डोज देते रहते हैं, कब तक, 5 साल की एज तक। तो फर्स्ट डोज विटामिन ए की 9 मंथ पे, सेकंड डोज 16 to 18 मंथ के बीच में, और फिर उसके बाद हर 6 महीने की 6-6 महीने पर 5 साल की एज तक विटामिन ए देते हैं। तो इसकी डोज क्या हो जाती है, 2 ml कहें या 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। जो 9 मंथ पे दी थी वो कितनी थी, 1 ml या 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट थी, और फिर सेकंड से लेके 9th डोज जो है वो क्या होती है, 2 ml या 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। रूट क्या होगा इसका, ओरल, और साइट क्या होती है, ओरल, मतलब मुंह से देंगे तो ओरल रूट होता है इसका। फिर DPT बूस्टर 2 जो है वो 5 से 6 साल की एज पे लगता है, DPT बूस्टर 2 5 to 6 years पे। डोज क्या है इसकी, 0.5 ml। रूट क्या होता है, इंट्रामस्कुलर, और साइट क्या होगी, अपर आर्म। फिर TT कब देते हैं, 10 साल पे और 16 साल पे, TT 10 साल और 16 साल। डोज क्या होता है, 0.5 ml। रूट क्या होता है, इंट्रामस्कुलर, और साइट क्या होता है इसका, अपर आर्म, अपर आर्म। इसके बाद प्रेग्नेंट वेमेन जो है इनके लिए भी वैक्सीनेशन बताया गया है। तो प्रेग्नेंट वेमेन के लिए क्या है, TT की जो फर्स्ट डोज है वो कब देते हैं, अर्ली इन प्रेगनेंसी, TT की फर्स्ट डोज अर्ली इन प्रेगनेंसी। डोज क्या होगी, 0.5 ml। रूट क्या होता है, इंट्रामस्कुलर, रूट इंट्रामस्कुलर। साइट क्या होती है, अपर आर्म, अपर आर्म में देते हैं। फिर TT का जो सेकंड डोज है वो कब देते हैं, 4 weeks आफ्टर TT 1, मतलब TT का जो हम लोग फर्स्ट इंजेक्शन देते हैं, फर्स्ट वैक्सीन देते हैं, वो अर्ली इन प्रेगनेंसी देंगे, और जो सेकंड है उसके 4 हफ्ते बाद देते हैं। तो TT 2 जो है वो 4 weeks आफ्टर TT 1। इसकी डोज भी क्या है, 0.5 ml। रूट भी सेम इंट्रामस्कुलर, और साइट भी क्या है, सेम अपर आर्म, अपर आर्म। इसके बाद अगर बात करें टीटी बूस्टर की, तो टीटी बूस्टर का मतलब क्या होता है कि अगर किसी प्रेग्नेंट फीमेल ने जो TT 1 और TT 2 जो है वो अपनी प्रेगनेंसी में दोनों रिसीव किए थे, ठीक है, और विदिन 3 ईयर्स वो क्या दोबारा प्रेग्नेंट हो गई है, यानी मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी में पेशेंट को जो भी, मतलब उसकी रिसेंट प्रेगनेंसी थी उसमें पेशेंट को क्या है, TT 1 TT 2 दोनों डोज दिए गए थे, दोनों वैक्सीनेशन हुए थे प्रॉपर उसके, और विदिन 3 ईयर क्या है वो दोबारा से प्रेग्नेंट हो गई है। तो इस केस में क्या होता है, हमें बस TT का एक ही बूस्टर डोज देना होता है। जो TT 1 TT 2 हमने पढ़ा था अर्ली इन प्रेगनेंसी और 4 वीक्स आफ्टर TT 1, वो नहीं देना होता है, सिर्फ TT का बूस्टर डोज देना होता है। तो यानी एक ही बार TT का इंजेक्शन देना पड़ेगा अगर जो प्रेग्नेंट लेडी है उसने क्या है विदिन लास्ट 3 ईयर्स 2 TT डोजेस जो है वो रिसीव किए हैं। डोज क्या है इसका, वही 0.5 ml। रूट क्या होगा TT बूस्टर का, इंट्रामस्कुलर, और साइट क्या होता है, अपर आर्म, साइट क्या है, अपर आर्म, ठीक है। तो ये क्या था, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है इन्फेंट्स, चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वेमेन के लिए, कौन कौन से जो वैक्सीनेशन है वो मैंडेटरी हैं और उनका क्या क्या शेड्यूल है। तो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है और ये ओवरऑल भी इम्पॉर्टेंट होता है, तो ये आना चाहिए। तो आज की जो क्लास है वो यहीं तक है, इसके बाद किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन पूछ लें, फिर हम लोग मॉक इंटरव्यू शुरू करते हैं।